कहते हैं रंजिश इंसान को शैतान बना देती है और वह अपनी दुश्मनी भुनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। घटना सरदारपुर के राजगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत आंबा की है, जहां बुधवार शाम 5 बजे के लगभग हमेशा की तरह बूढ़ी बाई खराड़ी अपने परिवार के साथ अपने खेत पर बोनी करने पहुंची। गांव के ही दूसरे पक्ष ने जमीन पर बुवाई करने से रोकने लगे। बूढ़ी बाई के अनुसार विवाद के बाद बूढ़ी बाई अपने परिजनों के साथ राजगढ़ पुलिस थाने पर प्रकरण दर्ज करवाने पहुंची। तब तक दूसरे पक्ष के अप्पू पिता मानसिंह, हेमराज पिता, हब सिंह, कमलिया पिता, मैसू कालिया पिता, पूना आदि ने बूढ़ी बाई के घर पर आग लगा दी, जिसमें अनाज व घरेलू सामग्री तो जली किंतु बछड़े सहित गाय की भी झुलसने से मौत हो गई। क्या मामला हुआ ये पूरा? अभी तो हमारा गाय थी घर में, तो बस गाबन थी तो भैया नहीं, और एक गाय थी तो एक छोड़ दी, एक जला दी, तो नकल के हमारे के फुर्सत नहीं आई, तो ऊपर के कैसा ऊपर से पड़ गया जला, तो हमारे कहीं नकलवान सूद नहीं पड़ी, तो इनके किन्ने जलाया इसको? इसको हिमराज और अप्पू और मानसिंह और मैसू कमलियो। और क्या क्या नुकसान हुआ? अभी तो अनाज भी था इनमा, गम भरेला था, मक्की भी थी। अच्छा। नानो मोटो सामान मारो घड़ो तो रेंज का पट्टा है हमारे पास, तहसील का भी है, वहाँ पे वो गांव वाला ये इमराज और कमलिया मेसू ये लेके आया इधर, और अप्पू मान सिंह ये वहाँ के पूरा गांव लेने आया, हमको दो चार भाई हम वहाँ से हमको मतलब रखे दे वहाँ पत्थर मतलब छाल लिया था, हम फिर भाग्य मतलब हम ही नहीं पीटा नहीं हुई, ये आया था वहादी घालीन इमराज और अप्पू जो मान सिंह और कमलियो ये आग दे मतलब वहादी गेहमा घाल दे दी। क्या क्या जल गया इसमें? मकान मत ये गाय गाबन थी, ये अनाज भी जल गया, अनाज भी जल गया और पूरा मकान जल गया थी। आगजनी की सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक राजू मकवाना ने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।